हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि कल आपकी एक्सपायरी है उसमें मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, उन सब चीजों के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कोई भी आपको कॉल्स एंड टिप्स नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, इसको याद रखिएगा। जो भी चीज है वो प्रॉपर एजुकेशन है और मेरा व्यू पॉइंट टुवर्ड्स द मार्केट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आज की मार्केट एक गैप डाउन टाइप की ओपनिंग करी एंड गैप डाउन के बाद तुरंत से मार्केट में एक शार्प रिकवरी टाइप का हुआ। हम लोग ने एक छोटा सा शॉर्ट साइड का यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना स्कैल्प करने की कोशिश करी थी एंड प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग निकले, बट उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया और 10-15 तक में मार्केट ने मूव करा एंड पूरा दिन बैंक निफ्टी को साइडवेज कर दिया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बट अगर 10-15 तक के मूव्स में आपने ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद कोई भी पोजीशन एज एन ऑप्शन बायर अगर आप बनाते हुए दिखते, तो हर कैंडलस्टिक के बाद अपोजिट कैंडलस्टिक आपके सामने आती है एंड आपका लॉस कराने के लिए एकदम 100% रेडी रहती है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वॉज वेरी डेंजरस। जो लोग भी यहाँ पे ट्राई करेंगे, हम लोग ने 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा पोजीशन को यहाँ पे नहीं बनाया, ना अपना व्यू शेयर करा यहाँ पे मार्केट पे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मार्केट में वो प्राइजेक्शन ही नहीं था बचा हुआ, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे लोगों ने, रिटेलर्स ने काफी लॉस करा होगा, बट हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स जो हमारे साथ रहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए बताइएगा जरूर से कितने लोगों ने इस जोन में कितना मतलब एक तरीके से अपनी कैपिटल सेव करा कि नहीं, बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में। बाकी निफ्टी में हम लोग का ऐसा ही था, निफ्टी और मिड कैप दोनों जगहों पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। निफ्टी एंड मिड कैप में फॉल आता हुआ दिखा था 10-15 तक, जहां बैंक निफ्टी फट रहा था वहां ये दोनों फॉल कर रहे थे। फिर निफ्टी और मिड कैप में एक लेवल से यहाँ पे बाइंग आना शुरू हुआ और जब इन्होंने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करा तो दोनों जगहों पे हम लोग को एक बुलिशनेस साइड का प्राइस एक्शन दिखा था। तो वही चीज आपके साथ शेयर करी गई कि यहाँ पे हम लोग को सपोर्टिव नेचर दिख रहा है मार्केट का, 50 मूविंग एवरेज टूट रहा है, तो एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए यहाँ पे मार्केट में बुलिशनेस टाइप का सिनेरियो बन सकता है। तो उसके बाद मार्केट में एक शानदार वाली बुलिशनेस आई एंड लोगों ने खुद से ही अपनी अपनी पोजीशंस बना के प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग निकाला, इस पर ध्यान दीजिए। तो अच्छा मार्केट रहा, एक तरीके से अच्छा रहा, कम से कम 2-3 दिन से जैसा साइडवेज चला था उसके कंपैरिजन में एक अच्छा मार्केट रहा, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस इसके साथ साथ 1 डे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने आज का एक काम अपना बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा, जो था आपका गैप फिलिंग का काम। तो इतना दिनों से मार्केट में गैप फिलिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वो गैप फिलिंग के काम को मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, वो भी किसमें, बैंक निफ्टी के अंदर। ये जो गैप फिलिंग बची हुई थी इसको मार्केट ने कंप्लीट करा, स्ट्रक्चर सारे के सारे मार्केट के कंप्लीट हो रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कुछ कुछ हम लोग के नाम से फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं, प्लीज उसको ज्वाइन ना करिएगा। कोई भी कॉल स्ट्रिप्स देने के लिए हम लोग पैसे नहीं मांगते हैं आपसे, इसको ध्यान दीजिएगा। जो भी चीजें होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है ओनली। हम लोग के पास कोर्सेज अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हो, आप इसी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर पे, व्हाट्सअप करके इस पे आप अपने कोर्सेज को जान के बारे में जान सकते हो, बेसिक टू एडवांस ये सब। कोई कॉल टिप्स के लिए अगर बोल रहा है कि लाइए हम आपको डेली कॉल्स देंगे, तो इट इज कंप्लीटली फेक, इसको ध्यान दीजिएगा। और हम लोग का जो प्रीमियम मेंबरशिप का ग्रुप भी है, वहां पे भी कोई कॉल्स एंड टिप्स नहीं, सिर्फ नॉलेज पर्पस से, लर्निंग पर्पस से, एनालिसिस एंड एवरीथिंग आपकी शेयर करी जाती है, नथिंग एल्स, इसको याद रखिएगा। तो प्रीमियम मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन लिंक से ओपन कर लीजिए, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट ओपन करिए डिस्क्रिप्शन लिंक से, एलाइज ब्लू एंजल वन धन में, एंड हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ते हुए देखिए। एट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी से ज्वाइन करिएगा, 3rd लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि और कोई भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपसे चार्जेस लिए जा सकते हैं, क्रिप्टोज मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उन सब फेक चीजों से प्लीज काइंडली बच के रहिएगा। क्योंकि लोगों का आता है मुझे कि ये सर ये स्क्रीनशॉट है, ये पैसे मांग रहे हैं हमारे नाम से, तो फेक है गाइस, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लियरली बता दिया, इसको याद रखिएगा, मुझे बार बार याद दिलाना ना पड़े, आप एक इंटेलिजेंट ट्रेडर हो, इसको ध्यान दिया करिए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ देखिएगा कि कल का मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे काफी सपोर्टिव ही बैंक निफ्टी है, अभी कहीं से भी वीकनेस नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे कोई भी बेयरिश साइन का अभी सिनेरियो नहीं दिख रहा है। और इसके साथ साथ निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी में भी स्ट्रांग ही नेचर है, मार्केट में अभी भी एक ग्रीन कैंडलस्टिक अच्छा खासा फॉर्म ही करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कोई वीकनेस की बात नहीं है, ये चीज हम लोग को पता चल गई। बट जो वीकनेस आई थी कल के दिन में वो थी आपकी क्रिप्टोस की, डाउ की मार्केट में, यूएस मार्केट में, बिकॉज कल वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स क्रैश करते हुए दिखे थे। बट अभी के टाइम पे डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े थोड़े पॉजिटिव ही चल रहे हैं एंड नैसडैक के फ्यूचर्स भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो भी आपका 140 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ही चल रहे हैं, तो एक काफी अच्छी बात मार्केट के लिए मानी जाएगी, इसको भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं।
तो इन सब चीजों से हम लोग को समझ में आ गया कि मार्केट में कोई नेगेटिविटी का प्रेशर का इंडियन मार्केट में स्पेशली कोई बहुत ज्यादा सीन नहीं क्रिएट हुआ। भले ही कल यूएस मार्केट इतना ज्यादा क्रैश करा था, तब भी इंडियन मार्केट में कोई भी बहुत ज्यादा क्रैश या ये सब चीज नहीं बनती हुई दिखी। ठीक है, अब आज कोई इवेंट्स है क्या, इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो इवेंट्स स्टॉक मार्केट कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट इवेंट्स में कोई बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। और डायरेक्टली हॉलीडे है आपका फ्राइडे को, इसको भूलिएगा नहीं। तो वीकेंड आ रहा है, आपने वीकेंड के लिए स्टडी करना चाहते हैं पीजीएस स्ट्रेटजीज या कोई भी कोर्स, तो इस व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीकेंड ये 3 दिन का हॉलीडेज है, तो मिस ना करिए इस बार, इसको ध्यान दीजिए। ओके, अब चलते हैं कल के मार्केट के प्राइजेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आना चाहूंगा निफ्टी को। निफ्टी में लेवल्स को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। निफ्टी में सबसे टॉप लेवल आपका होता है दिखेगा 22,661, देन उसके बाद नेक्स्ट 22,599, देन उसके बाद नेक्स्ट 22,497, देन उसके बाद 22,394, देन उसके बाद 22,285 एंड द लास्ट द बीस लेवल 22,222। यहीं से मार्केट ने एक बहुत तगड़ा रिवर्सल लिया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो प्राइजेक्शन के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया, इसको याद रखिएगा। अब मार्केट में देखेंगे तो मेनली जो यहाँ पे क्या क्या हुआ है मार्केट में देखोगे तो सुबह के टाइम पे निफ्टी ने फॉल कर था, बट यहाँ से मार्केट में बायर्स 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 पूरा बायर्स आते हुए देखिए 50 मूविंग एवरेज जब क्रॉस कर दिया था। और जैसे मैंने आपको पढ़ा के भी रखा हुआ है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जब भी क्रॉस करता है इंट्राडे में तो थोड़ी मोड़ी बुलिशनेस आने के चांसेस रहते हैं, वही काम मार्केट ने करा। अब यहाँ पे बायर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, अभी सही कहीं पे भी सेलर्स बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे, तो सेलिंग साइड का तो कल के दिन में इग्नोर ही करना बेस्ट रहेगा अंटिल अनलेस बहुत ह्यूज गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन, ठीक है, ह्यूज गैप डाउन, और या तो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट साइडवेज या कुछ खुल के बहुत ह्यूज नेगेटिविटी का प्रेशर दिखाए। बट इसमें भी बार बार इतना ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होगा, फिर नेगेटिविटी आएगा हर लेवल पे। अब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं तो वो लोग फिर सपोर्ट बनाएंगे वोलेटाइल, तो मार्केट इसी जोन में फंस जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। फिर क्या होगा कि जब मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन खुला तो ऊपर के लेवल पे कॉल ऑप्शन सेलर्स ऐड होने लग जाएंगे, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है और नीचे के लेवल पे पुट ऑप्शन सेलर्स होल्ड करके गए ही हैं, तो दोनों लोग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज टाइप का नेचर बना सकता है। इसीलिए मार्केट अगर ह्यूज गैप डाउन खुलता है या तो साइडवेज खुल के नेगेटिव साइड आने की कोशिश करता है तो मार्केट स्लो डाउन हो सकता है, प्रीमियम डीके वाला भी हो सकता है। तो ओनली स्कैल्प में मतलब 10-20 पॉइंट्स अपना निकलता चले उसके तक का प्रॉफिट बनाएगा, ट्रेड मतलब एक तरीके से ट्रेल करके बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट निकालने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी अगर मार्केट नेगेटिव साइड आने की कोशिश करता है, क्योंकि हर लेवल पे बायर्स हैं वो लोग बार बार उठाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तब थोड़ा बहुत नेगेटिव आप सोचना शुरू भी कर सकते हो एग्रेसिव, तो मेरे ख्याल से वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही। दूसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता हुआ दिखता है, दोनों केसेस में अगर मार्केट बुलिश साइड का प्राइजेक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट करता है तो एक चीज ध्यान देना, आप छोटी छोटी पोजिशन बनाने की कोशिश करना, उसमें आप प्रॉफिट निकालना, फिर बुकिंग आएगी, फिर उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड का है लेवल को तोड़ता है तब आप थोड़ा मोटा प्रॉफिट निकालना, मतलब उसमें भी छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना। क्यों? क्योंकि आप समझने की कोशिश करो गाइस, मार्केट बहुत तेजी से भागता हुआ दिख रहा है वापस से, और कल आपका एक तरीके से लास्ट ट्रेडिंग डे है, कल आपका लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा भाग जाना इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। हो सकता है ऑप्शन सेलर्स सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है एंड निफ्टी की भी एक्सपायरी है, दोनों को मार्केट को रोकने की कोशिश करें, तो बार बार ऊपर नीचे करके जाने की कोशिश करते हैं, तो हल्का हल्का जहां पे भी प्राइजेक्शन में वॉल्यूम दिखे थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड का स्कैल्प करके प्रॉफिट निकालते रहना। मुझे वही लगता है कि कल का भी दिन जो होगा वो स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा रादर देन ट्रेल करके बिग प्रॉफिट्स के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी निफ्टी, हाँ सेंसेक्स को भी अब देख लेंगे गाइस। अगर एक चीज होती है निफ्टी में, एक चीज याद रखना, अगर निफ्टी में ऐसा कुछ होता है कि मार्केट नीचे आके इधर कहीं की जोन से उठने की कोशिश करता है तो ये सब जोन्स आपके बाइंग के लिए काफी अच्छे रहेंगे, यहां से मार्केट बायर्स उठाने की कोशिश करेगा तो यहां से यहां तक का आप ट्रेल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऊपर खुला गैप अप और तुरंत से मार्केट में बुलिश प्राइजेक्शन आया, तुरंत से बहुत ज्यादा बुलिश होकर ट्रेल करने लग जाना, ये चीज के लिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो बुलिश दिखाए थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के तेजी से घूम जाए तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे अच्छा वहां पे पहले प्रॉफिट्स को बुक करिएगा। ठीक है, डिफरेंस होप करता हूं आप समझ गए होंगे। आप सेंसेक्स के भी लेवल्स को देख लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स में भी प्राइजेक्शन आपका है, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। सबसे पहले देखेंगे तो 74,665, देन उसके बाद लेवल रहेगा 74,300, देन उसके बाद लेवल रहेगा 73,940, देन उसके बाद लेवल रहेगा 73,749, देन उसके बाद लेवल रहेगा 73,331, देन उसके बाद लेवल रहेगा 72,844। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इसको कैसे प्ले करते हुए दिखना है इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है कम से कम जब तक 73,724 के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक आपको बहुत ज्यादा बेरिश साइड की पोजीशंस को नहीं ट्राई करना है।
इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुल के खुलता हुआ दिखता है तभी आपको थोड़ा बहुत बेयरिशनेस साइड का ट्राई करने की कोशिश करना है। एंड मार्केट में तब एक बार के लिए टारगेट इसका 73,351 का होगा। ये सेकंड हाफ में भी तोड़ता है तो जीरो टू हीरो आपको डाउन साइड में यहाँ पे मिलने की कोशिश कर सकता है मार्केट। दूसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो मैं कहूंगा, मैं चाहूंगा भी यही चीज कि मार्केट हल्का से नीचे आके पहले यहाँ पे साइडवेज हो जाए और फिर धीरे धीरे अपना ब्रेकआउट करे। धीरे धीरे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से ये ऐसा बुलिश साइड में जाएगा तो ये बहुत अच्छा पोजीशन बनेगा। इसमें भी मार्केट में प्रीमियम्स में जंप हम लोग को अच्छा मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा, तब कंटिन्यूएशन भी माना जाएगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। वरना अगर सिर्फ साइडवेज रह गया तो बहुत बोरियत होगी। साइडवेज होके अगर एक्युमुलेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ दिखता है तो वो बेस्ट रहेगा। इस टाइप का अगर प्राइजेशन मिलता है तो वो बेस्ट रहेगा। इसमें आप ऑप्शंस में लॉन्ग साइड में प्रॉफिट आपको अच्छा निकल सकता है। और लास्ट की अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलेगा मार्केट तो देखिएगा एक स्ट्रक्चर मार्केट का थोड़ा सा पेंडिंग है 74,282 का। अगर मार्केट यहां तक का गैप अप खुल जाता है तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है और फिर नीचे आके अगर सपोर्ट बना के ऊपर जाता है दैट वुड बी बेस्ट। बट अगर गैप अप खुल के डायरेक्टली सीधा बुलिश होने की कोशिश करता है तो थोड़ा संभल जाइएगा, अपनी पोजीशंस को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करके ही बनाइएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। गैप डाउन खुला तो ट्राई करिएगा किसी सपोर्टिव लेवल से उठाने का। साइडवेज खुला तब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आके अगर बुलिश होता है तो वो बेस्ट रहेगा। और गैप अप खुला तब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आके अगर बुलिश होता है तो वो बेस्ट रहेगा। ये तीन ही बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर मार्केट पूरा डाउन साइड तोड़ने लग जाएगा तब भी उसमें आपको बार बार शक होगा कि सेलिंग करूं कि ना करूं, क्योंकि मार्केट में अभी तो बायर्स आए थे कल के दिन में, फिर सेलर्स आ गए, तो मार्केट में आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड पोजीशंस को होल्डिंग वाला टाइप का नहीं बना पाओगे, इसको याद रखिएगा। अब लास्ट द बीस्ट बैंक निफ्टी के लेवल्स को ले लीजिए। बैंक निफ्टी में एक चीज हुई थी लास्ट में मार्केट में क्लोजिंग से पहले गई, मार्केट नेगेटिविटी के साइड में ब्रेकडाउन करके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है अभी भी बेंडिंग। निफ्टी जिस तरीके से भागा उस तरीके से बैंक निफ्टी नहीं, तो बैंक निफ्टी में कल अगर 47,800 के लेवल वेल को तोड़ता है मार्केट 820 के, तब प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत नीचे के साइड का 47,450 तक का हो सकता है पहुंचता हुआ दिखे, इसको याद रखिएगा। एंड इसको भी अगर ब्रेक करा तब यहां तक का प्राइस एक्शन 47,450 तक का बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट साइडवेज खुलता है या तो गैप अप खुलता हुआ दिखता है, सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ज्यादा, निफ्टी एंड सेंसेक्स को ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके में मार्केट लग जाएगा अंटिल एंड अनलेस मार्केट आज के हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके सस्टेन ना करे। तब तक 48,170 के ऊपर सस्टेन करेगा तब 48,280, 48,540 एंड लास्ट 48,800, ये तीन लेवल प्राइजेक्शन के हिसाब से तभी बुलिश हो सकते, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब के सब आपके सिनेरियोज हैं, इनको भूलिएगा नहीं। इसी तरीके से मार्केट को अपना अच्छी तरीके से प्ले करिएगा। वापस से एक छोटा सा रिमाइंडर, कोई भी कॉल एंड टिप्स प्रोवाइडर के पास ना जाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के नाम से मांगता है तो उनसे दूर रहिएगा, बिकॉज वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। जिनको भी प्रीमियम मेंबरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम ज्वाइन करना है तो उसमें लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप अपना अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन लिंक से करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलता हूँ आप लोग से कल मार्केट के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।